हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में पेंटोडैक 40 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। पेंटोडैक 40 टैबलेट का मेनली यूज एसिडिटी की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। जाइडस हेल्थ केयर कंपनी की ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 190 रुपए में मिल जाएंगी। दोस्तों बताइए, कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है? बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। पेंटोडैक 40 टैबलेट में पेंटोप्रोजोल IP 40 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद पेंटोप्रोजोल यह ड्रग पेट में प्रोटॉन पंप को रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से पेट में गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण नहीं होता है। इससे पेट में जलन और गैस की समस्या भी नहीं होती है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं? इस टैबलेट का मेनली यूज एसिडिटी की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। इसे गैस्ट्रिक अल्सर होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल सीने में जलन होने की समस्या, हार्ट बर्न होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इसे पेट में अल्सर होने की समस्या, आंतों में अल्सर होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग गैस अपचन होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस टैबलेट को डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिस वजह से आपको एंटीबायोटिक की वजह से एसिडिटी नहीं होती और पेट में जलन भी नहीं होती है। इस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेज के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने से पहले अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द, कफ, चक्कर आना, दस्त, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट, मेडिसिन, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन न्यूज मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।